मतेवाड़ा प्रोजेक्ट होएगा रद्द, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान। पब्लिक एक्शन कमेटी के नाल मीटिंग च लिया फैसला। रेप केस मुलजम सिमरजीत बैंस ने लुधियाना कोर्ट च किया सरेंडर, बाकी पांच मुलजमान समेत किया समर्पण। बैंस बोले न्याय प्रणाली से पूरा भरोसा, जल्द ही सच आएगा सामने। गिरफ्तारी के डर तो कैनेडा च गैंगस्टर गोल्डी बराड़ होया अंडरग्राउंड, अपने गुप्त टिकाने छड़ के होया फरार। सूत्रों मुताबिक गोल्डी की थां हुण उसका डमी चला रहा गिरोह। वारदात वेले नशे च सन मूसेवाला दे कातल, ज्यादातर शूटरां ने कंध च मारियां गोलियां। मनु खूसा ने मूसेवाला नूं मारी सी पहली गोली, फिर बाकियां ने कीती ताबड़तोड़ फायरिंग। थोड़ी देर च लॉरेंस बिश्नोई नूं हुशियारपुर लैके पहुंचेगी पुलिस, अदालत च पेश करके हासिल करेगी रिमांड। शराब ठेकेदार ते फायरिंग दे मामले च पुछगिछ दी है तैयारी। अमृतसर पुलिस नूं मिलिया जग्गू भगवानपुरिया दा एक दिन दा ट्रांजिट रिमांड, मानसा तो ले जाया जा रहा अमृतसर, अदालत पेश करके रिमांड ते लेगी पुलिस। मूसेवाला कतलकांड नूं लेके सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई अज, सीबीआई जांच दी मांग दी पिटीशन ते होएगी सुनवाई। मानसा दे बीजेपी आगू जगजीत सिंह ने पाई हुई है पिटीशन। साबका कांग्रेस विधायक हरदयाल कंबोज नूं विदेशी नंबर तो मिली धमकी, फोन करके मंगी रंगदारी, पैसे ना देण ते जानो मारन दी दित्ती धमकी। पंजाब दे विधायकां दे ट्रैवल अलाउंस नूं लैके हो सकदी है कटौती, सरकार वालों एक मीटिंग एक टीए दे फॉर्मूले दी तैयारी। मीटिंग ते तीन दिन दी थां एक दिन दा ही मिलेगा पत्ता। थोड़ी देर च अमृतसर पहुंचणगे मुख्यमंत्री भगवंत मान, पत्नी नाल दरबार साहिब होणगे नतमस्तक। माणहानी केस च कंगना रणौत नूं हाईकोर्ट तो राहत, हुण बठिंडा दी कोर्ट च नहीं होना पवेगा पेश। किसान अंदोलन दौरान बेबे महेंद्र कौर ते कीती सी टिप्पणी। कंटेंप्ट मामले दे विच विजय माल्या नूं चार महीने दी सजा, 2000 रुपए दा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। समाणा च बच्चे ते खौल दा तेल सुट्टन वाले मुलजम समेत तीन ते इरादा कतल दा केस दर्ज, शराब उधार ना मिलण ते कीता सी हमला, बच्चियां समेत बुजुर्ग नाल कीती सी कुटमार। तनखाह ना मिलण ते पीआरटीसी दे कच्चे मुलाजमां दा हल्ला बोल, पंजाब भर च प्रदर्शन, 2 घंटिआं लई कीतियां गेट रैलियां। भारत चीन बॉर्डर ते शहीद होया फिरोजपुर दा जवान कुलदीप सिंह, पिंड लोहे के कलां च छाया मातम। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं मतेवाड़ा तो, मतेवाड़ा जंगल नहीं उजड़ेगा, मतेवाड़ा प्रोजेक्ट नूं लेके वड्डी खबर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि मतेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द होएगा, यानी कि मतेवाड़ा च लगन वाला इंडस्ट्रियल पार्क हुण उत्थे नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पब्लिक एक्शन कमेटी के मैंबरों के नाल मीटिंग की, इस मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया, ऐलान किया कि मतेवाड़ा दे विच टैक्सटाइल प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। सीएम ने जंगलां पानियां कंडे प्रोजेक्ट ना लगाउण दी गल कही है। पीएससी दे मैंबरां ने मीडिया दे नाल गलबात दौरान कहा कि कोई भी जिहड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट होएगा, वह किसी भी जंगल दे नेड़े पानियां दे कंडे नहीं लगेगा, जिस दे नाल वातावरण प्रदूषित होण दा खतरा होवे, अजिहियां थावां ते कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, यानी कि अगे तो भी नहीं लगेगा। सीएम ने जंगलों की सांभ संभाल की भी गल कही है। सीएम अगे एक्वायर जमीन का भी मुद्दा चुकया है। पब्लिक एक्शन कमेटी के मैंबरों के नाल अज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग की, मीटिंग दौरान यह फैसला लिया गया, मतेवाड़ा जंगल नहीं उजड़ेगा, मतेवाड़ा दे विच इंडस्ट्रियल पार्क या फिर टैक्सटाइल पार्क नहीं लगेगा, तो ऐसी किसी भी जगह से अगे तो भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, यह मुख्यमंत्री ने भरोसा दिता है, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖੀ,
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ। ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਅਫੀਸਰ ਸਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਈਕੋ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਢਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਛੇਤੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਜੜਨਗੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਉੱਜੜ ਜੂਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ
दरिया के किनारे कोई भी अजिही इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिस दे नाल प्रदूषण का खतरा होवे, तां मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द किया जा रहा है। पंजाब का पानी गंदला हो रहा है, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने उह तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे ने। बदकिस्मती ये है जिन्हां नूं पहलां जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दित्ता सी, उह खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वह बाग छेती उजड़ जाता। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है, मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार ने एक प्रपोजल भेजी कि इतने टैक्सटाइल इंडस्ट्री लानी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे दरिया च पानी, किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साढ़े को दोबारा फाइल आई तो असं वह सारा पता किया। असं क्या भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जोड़ा वो सतलुज के जाऊगा, जहरीला होगा। तो असी ये गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असी उन्होंने जी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों होया कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जे उन्होंने लानी है असी कित होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असी गुरु नानक साहब ने जो लिखा सी कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, असी इन्हां तिन्नें दर्जिआं नूं बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ, बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब का पानी गंदला हो रहा, धरती का पानी खत्म हो रहा है, पंजाब की हवा जहरीली हो रही है, पंजाब के जंगल ते दरख्त जिहड़े ने वो तेजी नाल घट रहे ने, कट्टे जा रहे ने। बदकिस्मती ये है जिन्हां नूं पहलां जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दित्ता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है, मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार ने एक प्रपोजल भेजी कि इतने टैक्सटाइल इंडस्ट्री लानी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे दरिया च पानी, किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोल दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्होंने जी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा के जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों होया।
कि मत्तेवाड़ा के जंगलों के कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जे उन्होंने लानी है असी कितने होर जगह उन्होंने प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असी गुरु नानक साहब ने जो लिखा सी कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, असी इन तिने दर्जियां नूं बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ, बस तुहाडे समर्थन की लोड़ है। मत्तेवाड़ा दे विच प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, जो भी इंडस्ट्रियल पार्क या फिर टैक्सटाइल पार्क जिसका जिक्र होया 1000 एकड़ दे विच टैक्सटाइल पार्क लगना सी ओ हुण उत्थे नहीं लगेगा, किसी होर जगह ते लगाया जाएगा। ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी नाल ऐलान किया कि किसी भी ऐसी जगह ते कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिथों वातावरण प्रदूषित होण दा खतरा होवे, किसी भी दरिया के कंढे ते कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी। अज पब्लिक एक्शन कमेटी दे मैंबरां दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीटिंग कीती ते इस मीटिंग दे दौरान ये फैसला लिया गया। पब्लिक एक्शन कमेटी दे जो मैंबर ने उन्होंने सरकार दा धन्नवाद भी किया है, उन्होंने कोल जो जमीना एक्वायर कीतियां गईयां ने उन्होंने मसला भी मुख्यमंत्री दे कोल चुकिया। 1000 एकड़ का यह पार्क लगना सी, इंडस्ट्रियल पार्क टैक्सटाइल पार्क सतलुज के कंडे मत्तेवाड़ा के जंगल के नाल, तो इस लैके हुण फैसला ले लिया गया है कि मत्तेवाड़ा दे विच ये प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। संत बरबीर सिंह सीचेवाल राज्यसभा मैंबर उन्होंने लिखा है कि रुखां ते पशु पंछियों की सुनी गई है, मत्तेवाड़ा का प्रोजेक्ट रद्द होना इस गल का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पंजाब के लोग वातावरण के पक्ष तो चेतन हो रहे हैं। राज्यसभा मैंबर ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल उन्होंने लिखा है कि शुभ संकेत ने, हवा पानी ते धरती सब दे सांझे ने, इन्हां नूं संभालना हर एक का फर्ज है। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने क्या है कि मत्तेवाड़ा वर्गे सैकड़े होर जंगल लगाउण दी लोड़ है, रुखां ते पशु पंछियों की सुनी गई है, पंजाब दे लोक वातावरण दे मसले नूं लैके चेतन हो रहे ने, चंगी गल है। ए संत बलबीर सिंह सीचेवाल जो वातावरण प्रेमी भी ने ते हुण आम आदमी पार्टी दे वल्लों राज्यसभा मैंबर भी ने, तां उहनां दे वल्लों ये ट्वीट किया गया है, क्या है कि शुभ संकेत ने कि लोग वातावरण नूं लैके चेतन हो रहे ने, हवा पानी ते धरती सब दे सांझे ने। सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि पंथ ते पंजाबीयत दे जज्बे सामने ये एक अहम कदम है, मत्तेवाड़ा की पावन ते इतिहासिक धरती नूं प्रदूषित करन दी जिद नहीं होएगी, जिस धरती का कण कण सिख इतिहास अते जज्बे अलौकिक रूहानियत ते बेमिसाल कुरबानियां दी गाथा गाउंदा है। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों ट्वीट किया गया है, लिखा है कि उस धरती उत्ते अजिहे प्रोजेक्ट लाउण दा ख्याल भी पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं किवें आ सकता है। तो मत्तेवाड़ा दे जंगल नूं लैके ए बयान आ रहे ने वखो वखरे। सुखबीर सिंह बादल ने लिखा है कि पंथ ते पंजाबीयत दे सामने ए इक अहम काना सरकार दी मत्तेवाड़ा दी पावन ते इतिहासिक धरती नूं प्रदूषित करन दी जिद नहीं पुगी, जिस धरती दा कण कण सिख इतिहास ते जज्बे अलौकिक रूहानियत बेमिसाल कुरबानियां दी गाथा गाउंदा है। उस धरती उत्ते अजिहे प्रोजेक्ट लाउण दा ख्याल भी पंजाब दा कोई मुख्यमंत्री किवें लै सकदा है। सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान उन्हां दे वल्लों ट्वीट किया गया है।